कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक क्विक स्ट्रीम करेंगे और जैसा कि हम पहले ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, तो आत्मी के हवाले से उसमें कानूनी जो मामलात थे वो भी देखे थे हमने, और एक लंबी ट्रेल आजादी से लेकर अब तक जितने भी ब्लास्फेमी से मुतलका जो केसेस थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अभी हाल ही में एक खानेवाल में एक केस हुआ जो कि डॉन न्यूज ने भी उसको रिपोर्ट किया। खैर, डॉन न्यूज में खबर तो अधूरी थी, मुकम्मल खबर नहीं थी, शायद कल या परसों तक मुकम्मल खबर आ जाए। उड़ती उड़ती खबर यह थी कि कोई साहब थे जिनको ब्लास्फमी के इल्जाम में पकड़ा गया था और अदालती कार्रवाई ने यह साबित किया कि वो इल्जाम गलत है, तो उनको अदालत ने छोड़ दिया। और जब अदालत ने छोड़ा तो बाहर उनको किसी ने कत्ल कर दिया। इस पर एज यूजुअल मुसलमानों का रद्द अमल ये था कि जी चूंकि अदालतें इंसाफ नहीं करती तो इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया, अगर अदालतें इंसाफ करती तो कत्ल नहीं होता। लेकिन यहां पर एक नुक्ता ये है कि क्या आपको पता है कि ये ब्लास्फेमी का ही केस था, और आपको क्या ये बात 100% यकीन के साथ पता है कि क्या अदालत ने उसको गलत बरी किया है? अदालत में जो बैठे हैं वो भी तो मुसलमान ही बैठे हैं ना, जज वकील सारे, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा हो और वो दुरुस्त हो और जज ने उसको छोड़ दिया हो? तो आपको इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने अदालती निजाम पर एतमाद भी नहीं है, एतबार ही नहीं है। तो अगर आपको अपने अदालती निजाम पर एतबार नहीं है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये केसेस चलते रहेंगे। ये तो इसी तरह अदालत अगर उनको बरी करेगी तो फिर उसके बाद यही होगा कि जो अदालत से निकलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे एक साहब को जो कि मेरा ख्याल है कोई दावा छावा कर रहे थे कोई इसी किस्म का नबूवत का, तो उसको एक पेशावर में लड़के ने कत्ल कर दिया था अदालत में बैठे हुए, कमरा अदालत में शायद कत्ल कर दिया, कादियानी था शायद, कोई इल्म में नहीं है मेरे। तो बाकी जो मुकम्मल स्टोरी है वो हमारे जो एब गेंस भाई हैं वो हमें बताएंगे क्योंकि इनके पास मुकम्मल मालूमात है इस चीज की। तो एब गेंस भाई हमें बताइए कि इस मामले में क्या हुआ, क्या तफसीलात थी, और उस लड़के को कैसे कत्ल किया गया, किन बिना पर कत्ल किया गया, वो लड़का क्या करता था, जिसने कत्ल किया वो क्या करता था, जो भी मालूमात है काइंडली जरा बताइएगा। जी जी, इसके बारे में मालूमात ये है कि ये जो बंदा था जिसने कत्ल किया है वो एक उसी मोहल्ले में उसी गली में रहने वाले थे। ये जो नाम है इसका इलाके का, इस ये एक छोटा सा ही कस्बा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, तकरीबन एक ही मेन बाजार है और उधर ही तकरीबन इनकी आमने सामने ही दुकानी थी जो कत्ल हुआ है और जो कत्ल होने वाला था, जो जिसने कत्ल किया है। और जो कत्ल करने वाला था उसका बाप दर्जी था और उसको जो थी वो एक किसी इलेक्ट्रिशियन के पास उन्होंने भेजा था ताकि वो उधर से सीख सके काम। तो ये जो मुहर्रम जो गुजरे हैं, इधर नामे मुहर्रम के दौरान काफी ज्यादा उधर शोर शराबा हुआ और आर्मी भी बुलाई गई, तो उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया। लेकिन 10वें मुहर्रम पे फिर उन्होंने इजाज़त ले ली, वो असल में शिया थे, उन्होंने जुलूस निकलवाना था। तो उस लड़के ने आके सिर्फ एक, जिस तरह हाथ के साथ किसी को हम वैसे ही लानत दे देते हैं, या मतलब कि कुछ भी कहा होगा उसने, तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, कुछ कहते हैं सीसीटीवी में आ गया, लेकिन ज्यादातर यही है कि जो जुलूसों में जो वीडियो बनाते हैं उनमें कैद हो गया था वो। तो उसी बिना पे उस पे केस बना, तो वो अदालत में गया और उसके बाद जब वो रिहा होके आया तो असल में ब्लास्फेमी का केस ये था कि उधर चौक है एक इंसारी चौक, उधर जो हमारे खुलफाए राशिदीन है उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो वो इलाका शिया और सुन्नी का इलाका है और वो उसको साइलेंट करार दिया गया था क्योंकि 1987 से पहले भी उधर एक कत्ल हो चुका था सिर्फ इसी केस में। और जो कत्ल होने वाला है वो भी मजहबी कट्टर थे, यानी कि मतवली थे अपने इमाम बारगाह के।
तो ये अपनी आदतें तो नहीं छोड़ते, तो उसने इसी तरह करके लानत डाली है और उसी बुनियाद पे उसको घर वालों ने भेज दिया उसे लाहौर, ताकि ये हिंस के शर से महफूज रहे। तो जब वो वापस गया, वो पढ़ता था, और जब वो वापस गया तो उस बंदे ने जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था उसने उसको कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसने गुस्ताखी की है। अब वल्ला आलम, जो आप कह रहे हैं अदालत ने तो इंसाफ दे दिया था, लेकिन आगे आके ये काम हो चुका है। जी मैं इतने कहना चाह रहा हूँ कि आप शामिल करें। क्या इस अच्छा, पे 295 सी इस पे लगी थी? इस पे कोई FIR वगैरह हुई थी जिससे ये एक्विटल हुई थी इसकी? जी 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 बिल्कुल ऐसा एक्चुअली हुआ होगा, तो वो जारी का बात है, पकड़ा गया, अदालत में गया था ना, क्योंकि ज्यादातर तो अदालतों में ऐसे केस ऐसे ही रफा दफा ही नहीं, होते हैं, जो पड़े रहते। आपके इलम में है कि ये कब अदालत ने अपना फैसला दिया था, और कत्ल और फैसले के दरमियान तकरीबन कितना है वक्फा, नहीं इस कि चीज ये का केस पुराना इंफॉर्मेशन था? नहीं, क्योंकि ये तो वही दे सकता है जो उनका वकील हो या जो उनके दरमियान में बैठा हो। मतलब वो 295 सी अगर उस पर लगी भी थी तो वो मामला इतना हाईलाइट नहीं था, मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता उनका इतना। जी, वो देखे, उन्होंने खुलफाए राशिदीन की थी, उसने किसी नबी की नहीं की थी ऐसा, यानी कि एक्सट्रीम किस्म की नहीं की थी, तो इसमें तो ही शायद ने कोई वो शिकायत हो जाए। जो तो ही सहाबा, अब तो ही ने सहाबा का कानून भी आ ही ने चुका होगा, साहब, न्यूज हाँ उस पे चुका हाँ होगा। हाँ जी हाँ अखबारों जी, में भी, यही रिपोर्ट हुआ है कि तौहीन मजहब के नाम पे ने, क्योंकि गुस्ताख रसूल के नाम पे, तो फिर गुस्ताख रसूल के उनवान से खबरें जो हैं वो लगा करती हैं कि भाई गुस्ताखी रसूल की थी। अखबारों में भी जो पढ़ी हैं खबरें वो यही हैं कि तौहीन मजहब के नाम में जो है ये पकड़ा गया था, या जो भी था केस हुआ था इसके ऊपर, और उसके बाद ये छूट कर आया है बंदा। बस फिर और ये सिंपल वैसे भी ना, 295 सिंपल लगी होगी इस पे, 295 BC नहीं लगी होगी ना इसको, 295 हाँ खुलवा के वो बिल्कुल एक्विटल, बिल्कुल, इसीलिए एक्विटल भी इसका हो गया। अगर 295 C होती तो शायद एक्विटल भी ना होता, अभी तो उसके 2 साल बिल्कुल वैसे ही अंदर गुजर जाते। हाँ वो वही है ना, इसीलिए वो तो ये तो वही वाली बात है ना, यहाँ पे कानून को भी तो सबवर्ट करते हैं ना लोग। अगर थोड़ी सी भी आपकी जान पहचान है अंदर हुकूमती इदारों में तो फिर केस भी उसी तरीके से दर्ज होता है। तो बहरहाल, लानत नहीं देना, अब किसको लानत दी हाँ इसने, क्या दी ये, इसका क्या सबूत है? किसी के पास कोई सबूत होगा इसका? सिर्फ मुंह जबानी कही भी बात बात बातें होंगी भाई, नहीं लानत नहीं दी मुंह जुबानी किसको भी दी? नहीं, उसने सिर्फ हाथ नहीं से है इशारा ना किया था। यार, यार लानत मार नहीं, गया था मेरी मालूम बात सुने। है ना, मुहर्रम के जलसे के दौरान को गुस्ताखी की है, तो वो जो एक गंस कह रहे हैं ना, वो उसी तरफ इशारा जाता है। क्योंकि ये खबरें मुझे भी कहीं से मिली हैं, और वो कातिल का नाम भी है कुताहर मुगल, और जो कत्ल हुआ उसका नाम उमैर है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी 10 मुहर्रम के जुलूस के दौरान गुस्ताखी का इल्जाम था इन पे। तो ये ये आप देखें, सैयद यजीद हुसैन शाह साहब, आप तो खुद इस इन दोनों का बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन है, कि आप ये देखो कि लानत लफ्ज जो है इससे फर्क क्या पड़ जाता है। मतलब इसका कोई मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन करके कोई मुझे दिखाए कि मुझ पे अगर कोई लानत दे देता है तो 100 दफा दे यार, क्या मैं फर्क पड़ आपको जाएगा। बताती हूँ अहमद, मैं आपको बताती हूँ, लानत को इतना मायूब समझते हैं ये पता क्या कहते हैं? अम्मियाँ हमें कहती होती थी, जब मैं मदर बनी ना तो मेरी अम्मी का सबसे पहला लफ्ज ये था कि अपने बच्चे को कभी लानत नहीं कहना तुमने, लानत तुम पे, ऐसा कभी नहीं कहना। इनका ये अकीदा है कि जो लानत है ना वो पूरे जहान में घूम फिर के वापस आपकी तरफ आ जाती है। तो ये लानत से हाँ, ये बहुत तो डरते हैं, पेट्रोल ही ये ना बड़ा समझे। महंगा है, इतने महंगे पेट्रोल में पूरे जहां पे, फिर उसके बैठ के लाने से बैठ के बंदा कहीं सफर ही कर लिया करे अगर वो सारा घूम फिर के आती है। लेकिन माशाल्लाह ये डरते माशाल्लाह, बहुत हैं, इनकी तोहमात पे आप ना जाएं, ये डरते बहुत हैं, लफ्ज लानत से बहुत डरते हैं। अच्छा, बहर वैसे ये ये जो लानत इखलाकी लानत, पस्ती ये की इंतहा है। हमारा कौमी किस्म की जो है ना, ये एक वो क्या कहते हैं उसको, एहतजाज का एक तरीका है कि मतलब कोई भी अगर हमें मगरबी मीडिया पे किसी किस्म की कोई चीज पसंद नहीं है तो लानत भेजकर शेयर करें, लानत भेज कर शेयर करें, इस पे लानत भेज दें, उस पे लानत भेज दें, फलाने पे लानत भेज दें। तो ये यही कुछ बिल्कुल चलता है इनका। तो हो सकता है इन साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की हो। खैर चले, ये तो मजाक में, जो
हमारे अहमद अकबर साहब ने जो है कहीं से कहीं ले गए। लेकिन देखें ये बड़ा एक सीरियस किस्म का टॉपिक है जिसपे आज हम बात कर रहे हैं कि देखें आप मतलब आसिया बीबी के केस की तरफ अगर हम जो है वो थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करें तो आज आप ये देखें कि आसिया बीबी को आज भी कुछ जो लोग हैं वो मलूना समझते हैं और उसको यही कहते हैं कि भाई उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था और उसको जो है वो फांसी के तख्ते पर पहुंचना चाहिए था। अदालती कार्रवाई मेरा ख्याल है अहमद अकबर साहब हमसे बेहतर बता सकते हैं कि कोई भी जो बंदा था जो उसके अगेंस्ट जो गवाही लेकर आए थे वो कोई इतने रिलायबल थे ही नहीं और कोई उसके खिलाफ फर्द जुर्म कोई साबित हो ही नहीं सकी थी। और इस लेकिन उसके बावजूद वो जेल की चक्की में पिसती रही 10-12 साल। और ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सलमान तासीर जैसे जो सियासतदान थे वो उसकी लपेट में आ गए, वरना वो तो शायद अभी तक जेल में ही सड़ रही होती। ये इतना मामला अगर लाइम लाइट में नहीं आता सलमान तासीर की वजह से तो फिर बिल्कुल, देखो। जब ये मुसलमानों को छोड़ने के हक में नहीं है, ठीक है, ये जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं खाने वाल वाला जो वाकया जो हुआ है। अच्छा, खाने वाल के हिसाब से भी जब देखा जाए ना, तो 2022 में भी एक वाकया हुआ था, किसी दूसरी तहसील में हुआ था, गालिबन मियाँ चन्नू में हुआ था या कहाँ हुआ था, थी वो खाने वाल की तहसील थी। अच्छा, ये इलाका भी हॉटबेड बना हुआ है ना ये वाले वायलेंस का, ये जो मजहबी गुस्ताखी और 295 के जुमरे में जो वायलेंस आता है। अब्दुल्ला गुर्बत है ना और वहां पे, ना कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, हाँ ऐसे वो वहां पे यही होगा। बिल्कुल, तो बड़ी जिसको कहते हैं ना, एक अभी मैं देख रहा था आदाद शुमार, तो तकरीबन 2017 से 2022 तक का रिकॉर्ड के मुताबिक 345 केसेस हैं सिर्फ पंजाब के ही हैं वो, बाकी सिंध के केसेस अलग गए हैं। और ये 345 भी वो केसेस हैं जो कि डॉक्यूमेंट हो गए, जिनकी एफआईआर्स कटी और जिनकी जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई या कानून की नजर में जो आ गए, जो जो इधर उधर कस्बों में, जगहों पे, मोहल्लों में, छोटी छोटी मोटी जगहों पे जो वाकयात होते हैं वो तो लोगों के सामने भी नहीं आते, पब्लिसाइज भी नहीं होते, उनकी तो तशहीर भी नहीं होती। और आप ये भी देखें कि कोई मतलब किसी नेशनल मीडिया के ऊपर कहीं भी इस फिनोमिना के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि यार ये क्या है, क्या फिनोमिना है, क्या 295 का क्या मसला है, गुस्ताखी का क्या मसला है, गुस्ताखी की तारीफ क्या है, इसको डिफाइन करें, इसको इसकी इसकी तशरीह करें। ठीक है, कानून बनते हैं दुनिया में, इंसान इंसान जो है वो इंसानों की, क्योंकि इल्म जो है वो फ्लॉड है, उसके अंदर जो है वो इर्तिका की गुंजाइश होती है, ऐसे कवानीन भी उसी के बनाए हुए, उसमें भी इर्तिका की गुंजाइश होती है। चलो ठीक है, बन ही गया है तो थोड़ा ह्यूमनाइज तो करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो मैं ये भी यहाँ तक भी मानने को तैयार हूँ कि ठीक है भाई, एक इस्लामिक जो है वो मेजॉरिटी का मुल्क है, इसलिए यहाँ पे ये कानून है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक माशरे के बिगाड़ को देखते हुए, माशरे की पोलराइजेशन को देखते हुए, और जो एक मजमूई तौर पे बिगाड़ इस चीज से पैदा होता है, कम से कम उसको निपटाने की कोशिश तो करें। वो वेग किस्म की डेफिनेशंस उनको थोड़ा सा डिफाइन करें कि हाँ भाई ये है कैटेगरी, इसके ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। क्योंकि ये तो गुस्ताखी तो मतलब आपकी कुछ भी है ना, गुस्ताखी तो किसी ने किसी को गाली बकी वो भी गुस्ताखी है, किसी ने किसी को नजरें दिखाई वो भी उसके लिए गुस्ताखी है, तो गुस्ताखी तो एक सब्जेक्टिव मसला है। इससे पहले भी हम इन इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, और अफसोस का मुकाम ये है कि ये टॉपिक हमारी जान छोड़ने को तैयार नहीं है, हर चंद महीनों बाद कोई ना कोई केस निकल के आता है और हम फिर बैठे हुए होते हैं इसके ऊपर बात करने को। अच्छा अहमद अकबर साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं असल में इस बात पे आऊंगा कि ये जो आपने बात की ना कि गुस्ताखी दरअसल है क्या, तो ये भी एक बड़ा जो है ना वो नफसियाती मसला है। लेकिन पहले हम अहमद अकबर साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस किस्म के अकवाले जरिए लेके बैठे हमारे लिए। अच्छा, इसमें ये वाकई कि हम इस टॉपिक को जितनी दफा वाइंड अप करते हैं, हफ्ते दो बाद, महीने बाद, फिर एक दफा ये सामने खड़ा हो जाता है, हमें चैलेंज कर रहा होता है। जहां आपने बहुत सारे नाम लिए ना, और हमने यजीद ने जो नाम लिया कि वो आसिया का,
आसिया क्रिश्चियन थी, उसके लिए चलो वो हो गया। हमारा एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा जुनेद हफीज, हमारा प्रोफेसर, हमारा बड़ा प्यारा जहन, वो 7-8 साल उसको हो चुके हैं यार, वो इस चीज में अंदर है। और उसके वकील कत्ल हुए, वो आज तक नहीं बाहर आ सका, उसके लिए किसी ने आवाज भी नहीं उठाई शायद, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं था, वो एथीस था। अगर वो क्रिश्चियन होता तो शायद उसके लिए कोई आवाज उठाता। एथीस था वो, हम में से था, इसलिए उसके लिए कोई उठा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई उठेगा तो वो भी उसके वकील की तरह मार दिया जाएगा। तो ये तो जुल्म है। और सेकेंडली जो हमने कहा ना कि कानून साजी जब होती है तो उसमें हर चीज, वो कानून नहीं होता कि जो डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड ना हो, वो कानून नहीं होता। अब जहां तक गुस्ताखी की बात है तो वाकई सब्जेक्टिव तो है ये, लेकिन इसको अगर हम डिफाइंड भी करते हैं, चलो हम कहते हैं जी गुस्ताखी को हम बड़ी वेरी वेल डिफाइंड करके हम ये कहते हैं जी ये पैरामीटर्स हैं, इसके बाद अगर ये हुआ तो गुस्ताखी होगी, तो वहां पे अगर उसको आप डिफाइन करने बैठोगे तो आप आपस में एक दूसरे को गुस्ताख कह के ना, शर्तिया मैं कहता हूँ ये 20-50 मुसलमानों के मुफ्तियाने कराम बैठ जाएं और ये गुस्ताखी को डिफाइन करना शुरू करें, और 7 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद ये सारे एक दूसरे को गोली मार के उठ जाएंगे कि ये भी गुस्ताख था ये भी। क्योंकि यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि अगर तो आप कहते हो ना गाली नहीं निकालनी रसूल को, तो ठीक है नहीं निकालनी, गुस्ताखी ये भी, गलत बात नहीं कहनी उनके मतलब, ठीक है नहीं कहनी। अब गलत बात में भी आ गए कि उनकी पोटी मुबारका में से खुशबू आती थी, नहीं आती थी, नहीं आती थी तो तू गुस्ताख है क्योंकि आती थी। अब यहां तक जब बात पहुंच जाएगी ना कि जो पोटी मुबारका की खुशबू नहीं मानेगा तो वो भी गुस्ताख कहलाएगा, तो फिर आप उसको कहाँ जाके किस लेवल पे सेट करोगे? तो मैंने ये कहना था, ये बात शुरू कर लो आप। जी, मैं जरा नाजरीन को बताता चलूं। जैसे आप लोगों ने कहा कि इस पंजाब के इलाके में जो है ना वो काफी सारी जहालत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जनूबी पंजाब के जो काफी सारे इलाके हैं ना जिसमें ये बोरे वाला आ जाता है, भक्कर आ जाता है, बोरे वाला तो खैर अब उन्होंने नाम भी मेरा ख्याल है हटा छटा दिया, चेंज चेंज कर दिया है, और बावल नगर है, बावलपुर है, और इसके अलावा ये जंग का एरिया, लग्या का एरिया आ जाता है, मुजफ्फरगढ़ का, रहीमयार खान और खानेवाल, जो जितना भी ये इलाका आगे तक आता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि ये जहालत जो है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे केसेस ऐसे होते होंगे जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते, तो उनकी क्या सुनवाई होनी, ठीक है, देहातों तक। और मेरा ख्याल है वो तो मैं पुलिस में ही थाने में ही मारा मुड़ जाते होंगे, कोई SHO अगर उनको मिल गया कोई आशिक रसूल तो उसने तो छोड़ना नहीं है उनको। अच्छा, अब ये नफसियाती मसला जो इस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, देखें आप लोगों ने रंगीला रसूल तो पढ़ी होगी, ठीक है। अब रंगीला रसूल एक ऐसी किताब है जिसमें उसने कोई भी बात कुरान और हदीस से हटकर नहीं की, जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कुरान और हदीस से हटकर है। अब बात यह है कि अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें इतनी मुजहिका खेज बातें लिखी हुई हैं कि जिसको आप हंसे बिना नहीं रह सकते। और अगर आप, जाहिर सी बात है, आका के किसी बात पर हंसेंगे तो उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह हो जाएगी और वो गुस्ताखी हो जाएगी। अब जितनी भी हदीस हैं वो आप उठाकर देख लें। अब जैसे एक हदीस कल ही मेरी नजरों से गुजरी कि जब जैद बिन हारसा जो है वो ये जो मोहम्मद साहब के मुंह बोले बोले बेटे थे, ये जब इनसे मिलने आए तो ये आकर नंगे थे, मतलब नंगी जब ही डाल ली उन्होंने उनको दरवाजे में, और फिर मतलब ये सही हदीस है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें जब आप इस हदीस को बयान करेंगे तो आप किस तरह से बयान करेंगे, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि कोई आका की अजमत बयान हो रही है इसमें? अच्छा, एक सेकंड के लिए को बात शुरू करें, मैं जरा एक कॉल ले लूं। बात यही है कि अजमत जहां तक है ना, अब जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है लोगों में अवेयरनेस आ रही, किताब खरीद के पढ़ना मुश्किल हुआ करता था, किताबें लोग नहीं खरीदते थे। इस्लाम हमेशा सेरेमोनियल ले रहा है, यहाँ पे कभी भी किसी ने कष्ट नहीं किया उसको पढ़ने का, सिवाय मौलाना हजरात के या चंद जो कंफर्टेबल थे फाइनेंशियली, उनके अलावा बहुत कम लोग थे ऐसे जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया, एक एक हदीस भी शेयर हो जाती है हवाले के साथ, तो अब लोगों ने इनको पढ़ना शुरू किया, और पिछले 10-20 सालों में बहुत सारे लोगों ने इस पे वो शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया, और वो ज़ईफ़ हदीस और किताबों को मतलब ख़त्म करना, और फिर परवेजी जो हैं मुनकर हदीस, इस तरह के बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। जी यजीद, काइंडली।
जी बस मैं वही बात कर रहा था कि मतलब आप ये देखें कि जो भी हदीस आप उठा के देखेंगे जिस पे इन पे सवाल जवाब उठते हैं या इज्जत बेइज्जती का मसला बन जाता है, तो आप ये देखें कि मतलब क्या होगा उसको ये उठाकर जो है वो उसमें डाल देंगे, क्या कहते हैं, गुस्ताखी में डाल देंगे, या कोई भी हदीस आप लेंगे उसको जईफ करार दे देंगे, ये जईफ हदीस है, ये फेक हदीस है। अब फेक हदीस की क्या डेफिनेशन होती है भाई? फेक हदीस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हदीस की इकसाम है, वो इकसाम निकाल के पढ़ो उसमें कौन सी फेक हदीस है। हाँ, कुछ हदीस ऐसी हैं जिसपे जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं उन पे बहस की जा सकती है, ठीक है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई किसी किताब में लिखी हुई चीज को आप सिरे से ही उठा के जो है वो कचरे के डब्बे में डाल देंगे? ऐसा थोड़ी होता भाई। इस कैटेगरी पे और इस कसौटी पे अगर आप कुरान को परखेंगे तो फिर तो कुरान जो है वो ज्यादा बड़ी जईफ हदीस है हदीस से जो हदीसें आपकी किताबों में लिखी हुई है। कुरान तो खुद एक जईफ किताब कहलाएगी फिर, क्योंकि उसके चेन ऑफ नरेटर्स तो आपके पास है ही नहीं। कितने भाई चेन ऑफ नरेटर्स आपके पास उसके? जी अब्दुल्ला, हाँ, मैं चेन ऑफ नरेटर के ऊपर ही एक बात कहना चाह रहा था, एक पॉइंट रखना चाह रहा था। वो ये कि चेन ऑफ नरेशन नरेटर के ज़ईफ होने से हदीस या खबर जो है ना, वो असल में हदीस तो खबर या किस्सा है ना, वो किस्सा वो नहीं होता, ज़ईफ नहीं होता, वो किस्सा अपनी जगह कायम रहता है। हाँ, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, उसकी तरजीह चेंज हो जाती है जब हम ज्यूरिसडिक्शन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके उसके ऊपर देखा जाता है कि आया इससे क्या कहते हैं, जो मामला है, जो जो फिकही मसला है उसके उसकी ऑथेंटिसिटी पे और उसकी ज्यूरिसडिक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी कोई ऐसा फैसला है ना कि जिसके अंदर आप उसको इस्तेमाल कर करके कोई यानी के दुरुस्त शराई फैसला कर सकते हैं, तो उसके अंदर ज़ईफ चीज़ों का इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ ज़ईफ उसको कैटेगराइज करने के लिए होता है जो नैरेटर होता है, बाकी कोई ज़ईफ का मतलब ये नहीं है। अगर ज़ईफ जी अगर अगर बिल्कुल ज़ईफ की कोई हैसियत नहीं होती, ज़ईफ की कोई हैसियत नहीं होती, तो उसको ग्रेड करके हदीस की किताबों में नोट डाउन नहीं किया किया जाता। उनको तो आप फेंक दो फिर निकाल के, अगर वो ज़ईफ है तो वो किताबों में कर क्या रहे हैं, बिल्कुल फेंक दो निकाल के कर भाई, क्या ऐसा रही ही है होता वो है, बिल्कुल ऐसा ही किताबों होता में, है। कर क्या रही है? जब किताबों के अंदर हजारों लाखों हदीसें ज़ईफ मौजूद हैं, तो उसका मतलब ये है ना कि आपकी मंशा ये है कि आप कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करोगे, आप कहीं ना कहीं उसको प्रेसिडेंस के तौर पे, कानून है ना, एक कानून, कानून शरिया का भी एक लॉ जिसको ये लोग कहते हैं इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो एक कानून है ना, तो आप उसको ऐसे एज ए प्रेसिडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ईफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती अब इस्लाम के यानी के कैनन में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात यही है ना कि अब आप देखें इस बात को जितनी लंबी आप इस पे तमहीद बांध लें, बात यह है कि जो कानून ये है तौहीन मजहब का, इस कानून से नुकसान कितना हो रहा है लोगों को। मतलब आप ये देखें कि कोई भी इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ये भी वाकया हुआ, अब उसको अदालत ने छोड़ दिया लेकिन बाहर जब निकला तो उसको कत्ल कर दिया गया, क्योंकि तोहीन की डेफिनेशन आपने क्या की है ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। जैसे अब्दुल्ला आपने कहा था कि इंतहाई सब्जेक्टिव किस्म का मामला है ये, या तो भाई आप एक मैनुअल बना के दो ना, आप बुलाओ अपने मेन स्ट्रीम इस्लामिक मुल्ला को और उनके हाथ में तमंचे पकड़ा दो, तो मेरा ख्याल है तोहीने जो मोहम्मदी है ना उसी पे ये एक दूसरे को फड़का देंगे मीटिंग के दौरान, क्योंकि ये आपस में ही डिस्कस करके इसके कंसेंसस नहीं डेवलप कर सकेंगे कि आखिर तोहीने मोहम्मदी है क्या, क्योंकि हर फिरके की तौहीन मोहम्मदी अपनी है। जब आप किसी ब्रेलवी को बिठाएंगे ना किसी वाबी या देवबंदी के आगे, तो वो इस बात पे भी तौहीन लगा देगा कि उनका साया था या नहीं था, उन पे मक्खी बैठती थी या नहीं बैठती थी, ठीक है, वो हाजिर नाजिर भी हैं या नहीं है, तो इन मामलात पे भी भाई सारी तो तौहीन लगा देनी है उन्होंने। तो फिर पहले तो आप ये भी तो डिफाइन करें ना कि ये। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बात याद आई मुझे, वो जो मामला था अहमदियों वाला, भुट्टो के वक्त के दौरान, जुल्फिकार अली भुट्टो का जब टर्म था, जब वो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो उस मामले पे जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं ना बात, के एक दूसरे को कि ये गलत है और ये भी गलत है और फलाना, जो जिसको
एक फर्द गलत कह रहा है, वो उल्टा उसको दूसरे को कह रहा है कि तू है गलत भाई, मैं तो सही हूँ, तू है गलत। इन लोगों को ये डिफाइन करने का कहा था कि भाई इस्लामी मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है अहमदियों के मसले पे, तो ये लोग तो उसको डिफाइन नहीं कर सके भाई। ये उलमा जो बने फिरते हैं अपने आप को आलिम और स्कॉलर कहते हैं, मैं ये समझता हूं कि एक तो उस बंदे को स्कॉलर कहना ही नहीं चाहिए जो किसी एक किस्म के इल्म का जिसके पास सनद हो, कि बस ये एक ही चीज है दुनिया में जिसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है, वो आलिम होता ही नहीं है भाई। अगर इस्लाम के अंदर भी जिन लोगों को आलिम कहा गया है या जिनको दुनिया आलिम मानती है ना, जरा जाके उनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये लोग खुद 3 से 4 उलूम के ऊपर उन लोगों का जिसको आजकल की टर्म में पॉली मैथ कहते हैं, वो उस किस्म के लोग थे। यही जो अपने मिडिल एजिस के जो गोल्डन एरा जो इस्लामिक साइंसेज और उसका कहलाता है, आप जाके पढ़े ना उनके 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 बारे में, उनमें से कोई भी आपको जो है ना कुरान का आलिम नहीं मिलेगा, वो सारे दुनियावी आलिम है। दुनियावी इल्म की वजह से उनकी आप भूल रहे हैं अहमद रजा खान बरेलवी, आपने वो क्लिप नहीं देखा हुआ उनके लिए कितने इल्म, कोई 150 इल्म गिनवा दिए थे मोहतरम ने। ये जो इन लोगों का वो एक साइंसदान थे, हम यहाँ सूडो, साइंसदानों की बात नहीं कर रहे हैं साहब, वो साइंसदान थे, उन्होंने तो जमीन भी फ्लैट साबित कर दी और बहुत उन्होंने तो साइंसी तहकीक किया कुरान पे पूरी, तो उनके बारे में तो खैर हम क्या ही बात करें। हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रजी अल्लाह ताला कुछ भी कह रहे बस ना यही तो बातें हैं ना, सूडो स्कॉलर लोगों को इन लोगों ने अपना आलिम बनाया हुआ है, जो कि सूडो स्कॉलर लोग हैं जो यही डिफाइन नहीं कर सके कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है और मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। तो फिर ये चीजें, ये तो बड़े ही पेचीदा मामलात हैं जिसमें सोसाइटल मसले भी हैं, कम्युनल मसले भी हैं, फिर उसके अंदर जब आपने मजहब घुसेड़ दिया तो फिर तो वो तो आपको पता है उसके अंदर तो जो है ये वो कैसे डिफाइन करेंगे अब्दुल्ला तोहीने मजहब को? ये एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते तो तोहीने मजहब को कहाँ से डिफाइन करेंगे? ये आप इनसे कभी पूछे ना जाके कि भाई ये जो, अच्छा अब इनका इख्तलाफ ही देख लें, मतलब मैं बहैसियत मुसलमान खुद मस्जिदों में जाके नारे लगाता था काफिर काफिर शिया काफिर, ठीक है, तो अब इनसे पूछेंगे। अभी जो आपको याद होगा चंद साल पहले जो 7 शरीफ में जो एक खुदकश धमाका हुआ था जिसमें काफी सारे लोग मर गए थे, 7 शरीफ सिंध में हैदराबाद के साथ है, तो एक समझ लें कि एक बड़ी मजहबी जगह कही जाती है जहाँ पे लोग मनते शनते मानते हैं आके, बेसिकली जी हाँ, जो लाल शहबाज कलंदर का वो है जी बिल्कुल मजार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो वहां पर जो है वो धमाका हुआ और काफी सारे लोग मर गए, तो मेरे कितने जानने वाले ऐसे थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी वहां पर शिर्क होता था तो इसलिए जो लोग मरे हैं वो सही मरे हैं। तो ये इनके आपस के जो है ना वो इख्तलाफात आप देख लें, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये बैठ के तुम्हीने मजहब को डिफाइन करेंगे? नहीं, इनके ये लिए जान की वैल्यू ही नहीं, इनके लिए जान की वैल्यू ही नहीं है यार। अगर वो देखो ना, वो जो कह रहे हैं ना कि जो शिर्क करते थे इसलिए वो सही मरे हैं, दे देमसेल्व्स वो भी कातिल हैं। आप यकीन कर लो, उनको कभी मौका मिलेगा वो भी कत्ल करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, ये जितनी हमारी कम्युनिटी है ना यहाँ पे बसाई है हमने 26 करोड़ की, ये सब पोटेंशियल है इसमें, इन सब में ये टाइम बॉम्ब है। किसी कोई कोई जल्दी फट जाता है, कोई देर से फटता है, ये है सारे टाइम बॉम्ब, ठीक है। और ये इस किस्म के लोग हैं कि आप जिस तरह हमने पहले भी बात हम करते ही हैं, और वही बात की, ये इश्यूज हमारे एवरीडे इश्यूज बन चुके हैं, अब हमने रोज इन पे बोलते हैं, रोज बात करते हैं, और मजबूरी है हमारी, हम क्या करें। कि अब ये वो लोग हैं कि जो आपके साथ, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई आर्मी में है, कोई किसी भी पोस्ट पे है, आप वो भी समझो कि इन्हीं का एक नुमाइंदा, इन्हीं का सहूलतकार, इन्हीं तरह का एक बंदा भेस बदल के बैठा हुआ है। आप यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीवन कि आप उससे कोई प्रोग्रेसिव बात करोगे या उससे कुछ इल्मी बात करोगे। और फिर वो जो पहले बात हो रही थी, अब्दुल्ला कह रहे थे स्कॉलर जो दीन का इल्म, इल्म नहीं होता। मतलब मुझे मालूम तो है कि स्पाइडरमैन फिल्म की स्टोरी क्या है,
लेकिन स्पाइडरमैन फिल्म की स्टोरी पे एक टेक्निकल या एक अगर मैं उस पे सिनेमाटोग्राफी या उसकी फिल्म मेकिंग पे जाऊंगा तो शायद वो इल्म होगा, अदरवाइज उस स्टोरी पे मैं अगर अपनी सारी जिंदगी बना लूंगा तो वो इल्म नहीं खिलाएगा मेरा कि मुझे स्पाइडरमैन के मुतलिक बड़ा पता है, तो वो मुझे बड़ा इल्म है कि स्पाइडरमैन किस तरह उठ सकता है, उसमें मजीद किस तरह एडिशन किया जा सकता है, उसके अगला सीजन कैसे बनाया जा सकता है। हाँ अगर मेरा प्रोफेशन एज ए सिनेमा वो है तो ठीक है फिर, तो ये इनका एज ए प्रोफेशन जब मजहब बन जाता है तो इनके लिए वो इल्म बन जाता है, लेकिन एक अमूमी दुनिया के लिए इस दीन का इल्म कोई इल्म नहीं है, इसका पढ़ा हुआ कोई आलिम नहीं है, ये सिर्फ एक आर्ट है, ये उसको आर्ट से पैसा कमाते हैं, वो कमा रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी दौर में वो टूल्स थे जो आज गो के आउटडेटेड टूल्स हैं, लेकिन आज भी ये स्टोन एज की तरह इन्हीं टूल्स से थोड़ा 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 पैसा कमा रहे हैं। आप सीधा बोले ना, इतनी अपोलोजेटिक्स में जाने की जरूरत क्या है भाई, ये इनका पर्सनल अकीदा है, ये इनकी एक जिसको कहते हैं सिखाई हुई एक डॉक्ट्राइन है, इसका जो है वो इसको इसकी दुनिया में उन लोगों के लिए तो हैसियत है जो बचपन से इसको सीख के इसमें पैदा होते हैं, बाकी किसी के ऊपर ना ही ये इसको मानना मुकद्दम है और ना ही इसकी डिमांड की जा सकती है, सीधी सी बात है। वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, यहाँ पर काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, ठीक है, कभी आप लोगों ने अपनी जिंदगी के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में हल करने की कोशिश की है? जी कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से। प्लीज अहमद, हाँ बता, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो उसमें मैंने बथेरी कोशिश की, मैंने बथेरी टकरे मारी अपने अपने जिंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश की, मुझे तो उसमें से कुछ नहीं मिला। अहमद आपको कुछ मिला है तो बताएं मुझे। जी मैं वही कहने लगा था, हमें पता वहां से क्या मिलता है, हमें वहां से अपना पूरा हिस्सा मिलता है विरासत में, हमें वहां से वो हुक्म मिलता है कि ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, हमें अपने हर फायदे की चीज वहां से मिलती है, हम वो लेते हैं। हाइमा को बाकी हाइमा को कुछ मिला अभी तो बेचारी को आधा आधा मिलेगा। मुझे वो नहीं मिला कुछ भी नहीं। अगर अकेली भी माँ बाप की बेटी होती तब भी इनको पूरा वीजा मिला। तब हाँ, तो बिल्कुल नहीं मिला था, तब तो चाचा तायों को चला जाता ना। चाचा तायों को चले जाना था, हाँ सही बात है, विरासत ऐसी ऐसी कहानी जैसे कहानी वंड नहीं पंजाबी में कहते, कहानी वंड ऐसी पाई हुई है इन्होंने। मेरे लिए तो भाई बुगज ही बुगज है उसमें, मुझे तो उसमें से मोहब्बत भी नहीं मिली। अच्छा अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला आपके कभी कोई गंभीर किस्म के मसाइल हल हुए हो कुरान और हदीस की रोशनी? नहीं भाई, क्या क्या हल होगा, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मजीद पेचीदा होते हैं मसले, क्योंकि एक देखें ना, आप ये देखें ना कि आप किस किस्म की इल्म से प्ली ले रहे हैं, डिपेंड इसके ऊपर करता है ना। ठीक है हमने उसको ग्लोरीफाई करके उसके पीछे एक नाम नेहाद खुदा को लगा के उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश की है और फिर उसको कल्चरली और एक डॉक्ट्राइन के तौर पे नसल नसल दर नसल उसको अपना उसको ट्रांसफॉर्म किया है, उसको आगे जिसको कहते हैं इंजेक्ट किया है हमने अपनी औलादों में, इस वजह से ये चीज मौजूद है। अगर ये वाला फैक्टर आप निकाल देंगे इसके अंदर से तो इसकी कोई हैसियत थोड़ी है। आखिर आज इस्लाम के आने के 200-250 साल बाद जो एक नई रेफॉर्मेशन की तहरीकें शुरू हुई थी, वो तहरीकें शुरू होने का मकसद क्या था? यही तो था कि एक फ्लॉड इल्म था, 150-200 साल उसकी उम्र थी, वो भी खींच खांच के, ठीक है ना। उसके बाद फिर लोगों को नई इस्लाहात करनी पड़ी, नए यानी के आइडियाज और नए ख्यालात और नए सॉल्यूशंस बनाने पड़े, वो जिसके ऊपर सारी शरिया बनी है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है वो एक जामिद किस्म का स्टैग्नेंट किस्म का एक ख्यालात का मजमुआ है जो कि 1400 साल पुराने, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी पुराने, क्योंकि आधे से ज्यादा तो बोरोड ख्याल आते हैं उसके अंदर यहूदियत के और ईसाइत के। तो ये बात है सारी जी। एब भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरा ख्याल है। जी जी मैं बताना चाह रहा था कि मैंने काफी ज्यादा फायदे लिए हैं जनाब, मतलब कि अपना वो जो हिस्सा वगैरह होता है उसमें अपनी मनवा ली कुरान निकाल के इस तरह करके, और मतलब ये बातें कि जहाँ पे झुकना पड़े बिल्कुल झुक जाते हैं अपने फायदे के लिए, और जहाँ पे दबाव डालना पड़े
बिल्कुल वहां पे तलवारें निकाल लेता हूँ, तो ये सारी जिंदगी के हिस्से ही हैं जो उससे निकाले हैं हमने, तो बाकी तो कोई नहीं ज्यादा इतना वो अकल वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो अनपढ़ लोग हैं उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, मतलब आयतें निकाल के दिखा देनी उनको और ये वो सारा कुछ बस चलता रहता है जी। बोले आप। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे जो नाज़रीन हम सुन रहे हैं, खासकर जो मुसलमान हैं वो सुन रहे हैं, तो हम मुसलमानों से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने कुरान और हदीस से अपनी जिंदगी की कितनी नोक पलक संवारी है, हमें स्ट्रीम में आकर बताएं, लाइव आकर बताएं। कमेंट जहाद करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम चैनल बनाकर वीडियो के जरिए पैगाम दे रहे हैं आपको, तो तरीकाकार यही बनता है कि आप वीडियो के जरिए ही हमारे साथ आगे बात करें। जी हाँ, जी यजीद, मैं तो बस थोड़ी सी 2 मिनट लूंगी। ये मुझे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना फायदा हुआ कि जब मैंने इसको तर्जमे के साथ पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपने बहुत से जो इलम को ना रिफ्रेज किया, क्योंकि उसमें कुछ और था। जब मैं साइंस की तरफ पलटी उसको सच साबित करने के लिए, तो फिर वो चीजें आश्कार होती गई। तो इसको पढ़ने का फायदा तो है, लेकिन तर्जमे के साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे एज अ वुमेन, मैं खुद को इम्पावर कर सकी, उसमें देख सकी कि क्या बोंगियां हैं, क्या चीजें मेरे खिलाफ हैं। तो उन चीजों को मैंने फिर नोमिनेट किया अहादीस में से भी और कुरान में से भी, और उनको क्या उसे कहते हैं, जब जैसे किसी जो मफरूजा था ना मेरे सामने, जब मैंने उसको टेस्ट किया एविडेंसेस के साथ, तो वो बिल्कुल ही बोंगी थी। तो आप इस तरह से औरतें जो है ना, हम इस तरह से फायदा ले सकती हैं, आप खुद की ग्रूमिंग कर सकती हैं। आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ें, आपको अपनी डिग्रेशन का अंदाजा होगा कि आपकी कितनी तजहीक की गई है। तो आप खुद को एम्पावर करेंगी, आप इसके चुंगल से जब निकलेंगी तो आप बहुत तखलीकी हैं, औरत मर्द से ज्यादा तखलीकी है। तो आप मैं अपनी क्रिएटिविटी को पहचान पाई तब, तो इसलिए मैं इस दीन की शुक्रगुजार हूँ कि मैं बड़ी लगाव के साथ इसको सच साबित करने पर कुरान को तुली हुई थी। मैंने दिन रात एक किया, लेकिन आखिरकार इसने मुझको इनलाइट कर दिया। मैंने खुद को इनलाइट किया, अपनी खुद को मैंने इम्पावर किया, अपनी ग्रूमिंग की, मैंने खुद को पहचाना कि मेरी तो ये वर्थ है। वो जो मैं सोच के बैठी हुई थी ना, जो मुझे बावर करवाया गया था, मैं उस चंगल से जब से आजाद हुई हूँ ना, मैं अब सुकून में हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हेमा। असल में ना, इनको झूठी तसल्लियां देने का ना बड़ा शौक होता है अपने आप को। ये झूठी तसल्लियां हम भी अपने आप को देते थे जब हम मुसलमान थे। जब मैं बजाते खुद मुसलमान था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो दुनिया चल रही है वो कुरान की वजह से चल रही है, और मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में जो साइंसदान है वो कुरान को ही देख के साइंसदान बनते हैं, और दुनिया में जितना जो डिसिप्लिन है वो इस्लाम की वजह से ही है, दुनिया में जितना जो सब्र है वो रोजे की वजह से है, डिसिप्लिन जो है वो नमाज की वजह से है, औरतों की इज्जत जो है वो इस्लाम के अलावा कोई नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हकीकत इसके कहीं बरक्स है। तो मेरी गुजारिश है सबसे, खासकर मुसलमानों से, अगर वो चाहते हैं कि हम इसी टॉपिक पे बात करें तो वो कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या अगर आपने रिफ्यूट करना है आर्ग्यूमेंट तो फिर आपको हमारे साथ लाइव डिबेट करनी होगी। यूं कमेंट जहाद में रिफ्यूट नहीं कर सकेंगे आप आर्ग्यूमेंट, वो आप अपने आप को झूठी तसल्ली देंगे, जिसकी जिसका नुकसान आपको होगा, हमें नहीं होगा। क्योंकि नार्सिसिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका नुकसान जो है वो उसी शख्स को होगा जो जिसके वो लगी हुई है। हाँ, वो दूसरे लोगों को भी कॉन्टेजियस जरूर होती है नार्सिसिज्म, और दूसरों को भी नुकसान जरूर पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा नुकसान अल्टीमेटली आपको खुद को ही होगा, क्योंकि आपका नार्सिसिज्म सूनर या लेटर जो है वो लोग समझ जाएंगे। और खास कर जो रिलीजियस नार्सिसिज्म है ना, ये तो बहुत ही पॉइजनस किस्म की चीज है, और इससे तो सरासर नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि आप अपने एक शैल में बैठे हुए हैं, और उस शैल में आपने एक अपनी ही ख्याली किस्म की दुनिया बनाई हुई है, जिस ख्याली दुनिया में आप समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती फिर रही है, जिसमें से जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो सारे साजिशें करते फिर रहे हैं, और उनको इसराइल फंडिंग करता है, और मजहब छोड़ने के पैसे मिलते हैं, चैनल बनाने के पैसे मिलते हैं। तो ये सारी आपकी नरगिसियत जो है ना, ये तो बड़ी अरसे से चली आ रही है, लेकिन इस नरगिसियत का अब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दुनिया बड़ी प्रोग्रेसिवली तरक्की कर रही है, बड़ी प्रोग्रेसिवली आगे चल रही है। और अगर आपको दुनिया का हिस्सा बनना है तो फिर आपको इस हॉल से निकलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया किस तरह सोचती है। तो यही टॉपिक था, और आज जो वाकया हुआ उसको कवर करना मकसद था, बताना मकसद था आप लोगों को। और एडगेंस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें मालूम दी, क्योंकि हमें कहीं से ये मालूम मिल नहीं रही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास मालूम है और हम इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एडगेंस भाई साहब। तो जनाब, मिलते हैं दोबारा।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।